हमारी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मुराज के ग्रामवासी शिव प्रसाद लोधी ने बताया कि मैं जब रोजगार सचिव के पास आवास के लिए गया तो उसके द्वारा 30,000 रुपए की मांग की गई एवं पैसा पहले देने को बोला गया और कहा गया आजकल किसी का भरोसा नहीं। जब मैंने कहा तुम मेरे साथ पढ़ते रहे हो तो उसने कहा वह तो सब ठीक है, पैसा लगेगा। मेरे ग्राम मुरार में जिनकी स्कॉर्पियो एवं घर के बाहर 22 ट्रैक्टर खड़े हैं उनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करा दिए गए हैं, पर जिनकी झोपड़ियां हैं वह भूमिहीन है और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से दूर किया गया है। रोजगार सचिव के कारण पंचायत में है दहशत का माहौल। ग्राम के ग्रामवासी लाल बाबू पटेल ने बताया कि रोजगार सहायक द्वारा मैं किसी काम से गया तो उसके द्वारा कहा गया कि ज्यादा शिकायत करोगी तो मैं मास्टर रोल फाड़ कर तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। इस कारण कोई भी कार्य कराने के लिए उसके पास जाने से गाँव वालों में दहशत का माहौल है। वहीं जब हमारे संवाददाता रजनीश नामदेव ने दूरभाष के माध्यम से चर्चा की तो इस दौरान अशोक कुमार सोनी रोजगार सचिव से बात करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह सब बातें झूठ एवं निराधार है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी हुई है कि तारीख 24 को दिन बुधवार को अवार्ड की नीलामी की जा रही है, जबकि इसके पूर्व तारीख 20 शनिवार दोपहर 2 बजे यूनियनों और कर्मचारियों के द्वारा 2 पिकअप में कबाड़ बेच दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लाखों रुपए का स्वच्छता कार्य के लिए भी टैंकर वगैरह दिए जाते हैं, वो कई जगह टैंकर और मशीनरी कई कर्मचारियों के घर पर रखे हुए हैं, लेकिन सीओओ के द्वारा ये जो है बगैर टेंडर किए ही पूर्व ही टेंडर द्वार को होना था और सामान उन्होंने जो पिकअप 20 तारीख को बेच दिया, जिससे इसमें घोड़े जो है भ्रष्टाचारी और गलत काम हो रहा है। आपको कैसे जानकारी लगी कि ये टेंडर भी आगामी दिनों में होंगे? ये मैंने आज राज एक्सप्रेस पेपर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तारीख 24 को कबाड़ की नीलामी की जाना है। इच्छुक व्यक्ति पंजीकृत ठेकेदार आंके मोदी रहा है और ठेका है, तो मैंने कहा कि यार ये तो पहले कबाड़ है, ये जो मेरे सामने 2 पिकअप लदी ये तो पहले बिक चुका है, इसलिए मैंने माननीय एसडीएम महोदय के यहाँ जा करके एक आवेदन दिया और उनसे निवेदन किया कि नगर पंचायत के द्वारा जो सीओ और कर्मचारियों के द्वारा कबाड़ पूर्व में ही बेच दिया गया, विज्ञप्ति 24 तारीख को बेच दिया 20 तारीख को, इसकी जांच की जाए और जाँच कर दोषी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम है गंगा प्रसाद फतेहपुर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ से बेचा नहीं गया है, डब्बों से सामग्री उठवाई गई है, उठवाने वाले एकत्रित लाई गई है, उसकी विज्ञप्ति राज्य प्रेस पेपर में लगाई गई है, जिसकी नीलामी 24 तारीख को की जानी है। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सर झूठे हैं। क्या नाम है आपका? राजीलाल कौन सी आ रहा है नगर पसंद।